हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम लोग रिसर्च का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, टूल एंड टेक्निक्स ऑफ रिसर्च या रिसर्च टूल एंड टेक्निक्स। गाइस, रिसर्चर चाहे क्वालिटेटिव रिसर्च करने जाए या क्वांटिटेटिव रिसर्च करे, चाहे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करे या नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करे, हर रिसर्च के लिए उसे जरूरत होती है डेटा की, अर्थात आंकड़ों की। और एक रिसर्चर को ये जो डेटा या आंकड़े होते हैं, ये कहीं रेडीमेड नहीं मिलते हैं। रिसर्चर को ये डेटा अरेंज करना पड़ता है, एकुमुलेट करना पड़ता है, कलेक्ट करना पड़ता है। और जब डेटा कलेक्शन की बात आती है, तो डेटा कलेक्शन के लिए रिसर्चर वैरायटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। किसी रिसर्च के रेफरेंस में डेटा कलेक्शन के लिए टूल एंड टेक्निक्स को आप वैसे ही समझ सकते हैं जैसे कि हमें मार्केट से सब्जी लानी होती है तो हम पॉलीथीन या कैरी बैग का इस्तेमाल करते हैं। तो उसी तरह अगर हमें रिसर्च में इंफॉर्मेशन लेनी है तो हमें टूल एंड टेक्निक्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और जैसे हमें मार्केट से बहुत ज्यादा सामान लाना होता है तो हम मल्टीपल कैरी बैग और बैग्स का इस्तेमाल करते हैं, झोलों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी तरीके से जब रिसर्चर को वैरायटी ऑफ डेटा चाहिए होता है, वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, तो वो वैरायटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। तो टूल एंड टेक्निक्स क्या है? टूल एंड टेक्निक्स इज अ हेल्पिंग डिवाइस ऑफ डेटा कलेक्शन। अब यहां पर बात ये आती है कि ये रिसर्च टूल और टेक्निक्स क्या होते हैं, क्योंकि रिसर्च के रेफरेंस में तीन वर्ड बहुत पॉपुलर हैं, टूल या रिसर्च टूल, रिसर्च टेक्निक्स एंड टेस्ट, या जिसे हम परीक्षण कहते हैं। अमूमन क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू क्या है, एक टूल है या टेक्निक है, या हमसे पूछा जाए कि भाई क्वेश्चनायर एक टूल है या टेक्निक्स है। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों के आज हम लोग इस क्लास में जवाब ढूंढेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। टूल क्या होता है, टेक्निक्स क्या होती हैं, टेस्ट क्या होते हैं, और इनमें आपस में क्या संबंध या क्या विभिन्नता होती है। तो आइए गाइस, हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च टूल्स एंड टेक्निक्स, यानी शोध उपकरण एवं प्रविधियां या तकनीक कह सकते हैं उनको। तो यहां पर दो चीजें हैं, एक टूल है और एक टेक्निक्स है। तो पहले हम इन दोनों को जरा समझ लें, क्लियर? तो एक तरफ हम लिखते हैं टूल, जिसे हम कहते हैं उपकरण, और एक तरफ हम लिखते हैं टेक्निक्स। जिसे हम प्रविधि कहते हैं। ध्यान रखें कि इन दोनों शब्दों के साथ आप रिसर्च वर्ड जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं, रिसर्च टूल एंड रिसर्च टेक्निक्स। तो सिंपली जब आपसे पूछा जाए, तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज रिसर्च टूल, या हम रिसर्च वर्ड इसके साथ जोड़ भी लेते हैं, तो रिसर्च टूल क्या है? तो हम कहेंगे कि रिसर्च टूल इज अ स्पेसिफिक डिवाइस आर इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डाटा कलेक्शन। अर्थात टूल
टूल क्या है? टूल एक स्पेसिफिक डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट है, अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि एक विशेष यंत्र है। टूल क्या है? विशेष यंत्र है। अब रिसर्च टेक्निक्स क्या होती हैं? जरा हम इनको समझ लें। तो रिसर्च टेक्निक्स क्या है? इज अ स्पेसिफिक प्रोसेस प्रोसीजर और मेथड फॉलोड बाय रिसर्चर ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन। तो टूल और टेक्निक्स दोनों का जो संबंध है वो संबंध है डेटा कलेक्शन से, पहली चीज तो ये आपको ध्यान में रखनी है। ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं वो इस्तेमाल होते हैं प्रदत्त संकलन या आंकड़ों को संकलित करने की प्रक्रिया के दौरान। अब अंतर क्या है? अंतर ये है कि रिसर्च टूल जो है वो है एक डिवाइस या एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट, अर्थात एक विशेष, हम कह सकते हैं कि यहां पर एक साधन है या एक विशेष यंत्र है। अब ये फिजिकल फॉर्म में नहीं है, ध्यान रखें। फिर रिसर्च टेक्निक्स क्या है? रिसर्च टेक्निक्स जो है वो एक प्रोसेस या एक प्रोसीजर या एक मेथड है जिसे रिसर्चर डाटा कलेक्शंस के दौरान फॉलो करता है या जिसका वो अनुसरण करता है। तो अब ये जो है वो एक, ध्यान रखें कि एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। टेक्निक्स क्या है? एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। और ये क्या है? एक थोड़ा सा नैरो कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आ रही? इसका मतलब है कि टेक्निक्स टूल से बड़ी होती है या ज्यादा व्यापक होती है। इनका जो दायरा है वो ज्यादा व्यापक होता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक तरीके का एक आइडियोलॉजी होती है, एक प्रिंसिपल होता है डेटा कलेक्शन का। और इसमें एक पर्टिकुलर वो एक चीज हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम सूचना को रिकॉर्ड करते हैं, जिससे सूचना हम प्राप्त करते हैं। तो ध्यान रखें कि जो टूल होता है वो टूल एक तरीके से टेक्निक्स का एक पार्ट होता है। और तमाम तरह की रिसर्च टेक्निक्स होती हैं और हर रिसर्च टेक्निक्स में मल्टीपल टूल होते हैं। तो एक मेथड के अंदर या एक प्रोसीजर के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। तो रिसर्चर जब डेटा कलेक्शंस के बारे में बात करता है तो सबसे पहले वो रिसर्च टेक्निक्स को फाइनलाइज करता है, सीधे वो रिसर्च टूल को फाइनलाइज नहीं करता है। अब रिसर्च टेक्निक्स का जो फिक्सेशन होता है या जो इसका निर्धारण होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च से या टाइप ऑफ रिसर्च से। आपका शोध कैसा है? आपका क्वालिटेटिव रिसर्च है या आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च है? सुपरफिशियल स्टडी है या डेप्थ स्टडी है? उसके आधार पर रिसर्चर अपनी शोध प्रविधि या शोध तकनीकों का निर्धारण करता है। और फिर जब वो किसी एक शोध तकनीक और शोध प्रविधि का निर्धारण कर लेता है तो फिर उसके बाद वो निर्धारित करता है कि उस शोध प्रविधि के अंतर्गत जो शोध उपकरण है उन शोध उपकरणों में से वो किस शोध उपकरण का इस्तेमाल करे। तो अब तक हम लोगों ने क्या समझा? हम लोगों ने यह समझा कि जब भी कोई भी शोधकर्ता किसी भी तरह की क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव रिसर्च कंडक्ट करता है तो वह डेटा कलेक्शन के लिए वैरायटी ऑफ रिसर्च टेक्निक्स एंड टूल्स का इस्तेमाल करता है।
अब बात आती है कि रिसर्च टेक्निक्स एंड रिसर्च टूल क्या होते हैं। तो रिसर्च टेक्निक्स एक 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 ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, यानी इनका दायरा अलग होता है और ये उस अप्रोच को एक्सप्रेस करते हैं, उस मेथड को एक्सप्रेस करते हैं या उस प्रोसीजर को एक्सप्रेस करते हैं जिस अप्रोच या प्रोसीजर के माध्यम से रिसर्चर डेटा कलेक्शन करता है या जिस अप्रोच या मेथड को ड्यूरिंग द डेटा कलेक्शन को फॉलो करता है। दूसरा था हमारा शोध उपकरण या रिसर्च टूल। तो रिसर्च टूल क्या होते हैं, कुछ विशेष डिवाइसेस हैं या कुछ विशेष इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिन्हें रिसर्चर फॉर द डेटा कलेक्शन इस्तेमाल करता है। यहां पर समझना ये है कि टूल और टेक्निक्स में क्या रिलेशनशिप है। तो हम कहते हैं कि टूल जो है और जो टेक्निक्स होती हैं उनमें जो रिलेशनशिप है वो है एक फैमिली एंड मेंबर का। तो एक तरीके से जो रिसर्च टेक्निक्स होती हैं ये क्या है, ये एक तरीके की फैमिली होती है और जो टूल्स होते हैं वो होते हैं मेंबर ऑफ फैमिली। मेंबर ऑफ फैमिली तो टेक्निक्स क्या होती हैं, एक परिवार होते हैं और टूल्स उस परिवार के सदस्य होते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी हम टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे और किस टेक्निक्स के अंतर्गत कौन सा टूल आता है हम उसको भी जानेंगे, लेकिन एक तीसरा शब्द भी हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं, टेस्ट क्या होता है। तो एक तीसरा शब्द हम लोग यहाँ पर लेते हैं टेस्ट, यानी जिसे आप परीक्षण कहते हैं। तो यहां पर टेस्ट चूंकि हम एज अ नाउन लेंगे तो एज अ नाउन हमको समझना है टेस्ट क्या होते हैं। तो एज अ नाउन जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक टूल होते हैं। तो टूल में भी एक विशेष श्रेणी होती है, कुछ विशेष तरह के टूल होते हैं, उन टूल्स को ही हम टेस्ट कहते हैं। और तो टेस्ट इन तीनों में सबसे एक छोटी चीज या सबसे संकुचित संप्रत्यय है। टूल्स टेक्निक्स एंड टेस्ट में टेस्ट सबसे नैरो कॉन्सेप्ट है। अब टेस्ट का मीनिंग क्या होता है और ये टूल के मीनिंग से कैसे वैरी करता है और पर्टिकुलर टेस्ट किस फैमिली से बिलोंग करते हैं ये हम आने वाली क्लासेस में हम समझेंगे और इनका मीनिंग वहीं पर समझेंगे। लेकिन इनमें तीनों में एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपने समझ में आया कि अगर हम उस रिलेशनशिप को निकालने की कोशिश करें तो मीनिंग हमको रिसर्च टेक्निक्स का मिला, मीनिंग हमको रिसर्च टूल का मिला, रिसर्च टूल्स एंड टेक्निक्स की यूटिलिटी क्या होती है वो हम लोगों ने जाना और टूल टेक्निक्स और टेस्ट में क्या रिलेशनशिप है ये जाना। हाँ, टेस्ट का मीनिंग अभी हम लोगों को नहीं मिला, लेकिन टेस्ट का मीनिंग हम आगे देखेंगे क्योंकि टेस्ट एक टेक्निक फैमिली से बिलोंग करेगा और वो एक अपने आप में एक टूल भी है। तो वो किस तरह का टूल है ये आगे क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। खैर, तो अब हमें यहाँ पर पढ़ना क्या है, हमें ये फैमिली जानी है, यानी हमें रिसर्च टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है, यानी वो रिसर्चर ऐसे कौन कौन से मेथड या प्रोसीजर है जिन्हें फॉलो करता है ड्यूरिंग द रिसर्च या ड्यूरिंग द डेटा कलेक्शन। तो हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च टेक्निक्स। तो बेसिकली जो रिसर्च टेक्निक्स होती हैं वो पांच तरह की हैं। अगर हम बात करें यहां पर टाइप्स ऑफ तो रिसर्च टेक्निक्स को भाटा क्लासिफाई किया गया है पांच भागों में। तो पहली जो हमारी टेक्निक है वो फैमिली है, उसको हम कहते हैं सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक।
जिसे हम कहते हैं हिंदी में स्वाख्या, तकनीक या प्रविधि कह लीजिए। फिर दूसरा है यहां पर ऑब्जर्वेशन टेक्निक, जिसे हम अवलोकन प्रविधि कह सकते हैं। तीसरी है टेस्टिंग टेक्निक, या इसी को हम लोग साइकोलॉजिकल टेस्टिंग टेक्निक भी कहते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं परीक्षण तकनीक या परीक्षण प्रविधि। चौथा है हमारा सोशियोमेट्रिक टेक्निक, जिसे हम समाज नीति प्रविधि कहते हैं। और पांचवा और अंतिम है प्रोजेक्टिव टेक्निक, जिसे हम प्रक्षेपी प्रविधि कहते हैं या प्रविधियां कैसे। तो बेसिकली ये हमारे पांच श्रेणियां हैं टेक्निक्स की। और ध्यान रखें कि हर टेक्निक के अंदर मल्टीपल टूल हैं। तो अगर हम यहां पर टूल्स के बारे में बात करें टूल्स ऑफ दिस टेक्निक, तो पहले हम टूल लिख लेते हैं सारे, फिर उनके बाद इनकी चर्चा करते हैं कि ये क्या होती है। जैसे क्वेश्चन आया यानी प्रश्नावली, दूसरा शेड्यूल, तीसरा इंटरव्यू, चौथा एटीट्यूड स्केल। अगर हम यहां की बात करें तो इसके जो टूल हैं उनकी चर्चा कर लें। तो पहला है चेकलिस्ट, दूसरा है ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, तीसरा है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, चौथा है रिकॉर्डिंग स्किल। अब अगर यहां पर हम टेस्टिंग टेक्निक्स के बारे में बात करें, यहां के टूल्स क्या हैं, तो बहुत सारे होंगे यहां पर। इंटेलिजेंट टेस्ट, क्रिएटिविटी टेस्ट, वैल्यू टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, यहां पर
इंटरेस्ट इन्वेंट्री, तमाम चीजें और भी हो सकती है। सोशियोमेट्रिक की अगर हम टूल्स के बारे में बात करें तो पहला है सोशियोमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा सोशियोग्राम, तीसरा सोशियोमेट्रिक इंडेक्स, और यहां पर भी बहुत सारे टूल्स हो सकते हैं, टैट, कैट परीक्षण, सैट परीक्षण, वैट परीक्षण, पीएफ स्टडी, आज बहुत सारे टूल हो सकते हैं। खैर, तो आप यहां तक अभी तक क्या समझ में आ रहा है? आप समझ में आ रहा है कि हम इसको फैमिली क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हर फैमिली में बहुत सारे टूल, मल्टीपल टूल हैं यहां पर। तो अगर इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जैसे पूछ लिया जाता है कभी कभी कि इंटरव्यू क्या है, व्हाट इज इंटरव्यू, इंटरव्यू इज अ टूल आर टेक्निक्स, तो हम क्या कहेंगे कि इंटरव्यू इज अ रिसर्च टूल नॉट अ टेक्निक्स। क्लियर? तो टेक्निक्स क्या होती हैं, एक एक ब्रॉड टर्म में इस्तेमाल किया, यानी एक एक फॉलोइंग प्रोसीजर होता है टेक्निक्स ड्यूरिंग द डेटा कलेक्शन। और टूल क्या होता है, टूल एक तरीके का हमारा डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट होता है फॉर द डेटा कलेक्शन। अब हर टेक्निक्स के अंतर्गत मल्टीपल टूल्स होते हैं, कहने का तात्पर्य है कि हर जो प्रविधि होती है वो कई सारे उपकरणों को अपने अंदर समाहित किए होती है। लेकिन अब ये टेक्निक्स में यही टूल क्यों है, जैसा चेकलिस्ट है वो सेल्फ रिपोर्टिंग में क्यों नहीं आया, या जो क्वेश्चन आया है उसको हम ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स में क्यों नहीं रख रहे हैं, इस चीज को जरा हम समझते हैं। तो यहां पर हमें समझना क्या है, हम पहले समझना है कि ये सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, और फिर हम पर्टिकुलर क्वेश्चनायर शेड्यूल हर एक टर्म को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करें कि ये स्वाख्या तकनीक या स्वाख्या प्रविधि क्या होती है। तो सबसे पहले हम सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक समझते हैं। सेल्फ का मतलब आप समझ ही रहे हैं, स्वयं, और रिपोर्ट्स का मतलब है या रिपोर्टिंग का मतलब है जानकारी देना या सूचित करना। तो सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक्स के अंतर्गत हम उन टूल्स को रखते हैं या वो टूल रखे जाते हैं जिन टूल्स के अंतर्गत जो हमारा पार्टिसिपेंट्स होता है, ध्यान रखिए कि पार्टिसिपेंट्स या सब्जेक्ट का मतलब उन व्यक्तियों से है, उन इकाइयों से है जिनसे शोधकर्ता अपने शोध के लिए सूचनाएं संकलित करने जा रहा है या करना चाहता है, तो ह्यूमन बीइंग। तो सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक्स वो टेक्निक्स होती हैं जिनके अंतर्गत जो पार्टिसिपेंट्स है वो खुद ही जो भी संबंधित जानकारी होती है, जो संबंधित सूचना होती है, वो व्यक्ति स्वयं शोधकर्ता को उपलब्ध कराता है या फिर शोधकर्ता के द्वारा पूछे जाने पर वो स्वयं बताता है। तो सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक्स का मतलब क्या निकल कर आया, सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक्स का मतलब है कि व्हेन द पार्टिसिपेंट्स प्रोवाइडेड रिलेटेड इंफॉर्मेशन बाई सेल्फ आर टेल व्हेन द रिसर्चर इज आस्क्ड, मतलब जब शोधकर्ता के द्वारा या अध्ययनकर्ता के द्वारा पार्टिसिपेंट्स या सब्जेक्ट से सूचना मांगी जाए या पूछी जाए, और तो पार्टिसिपेंट उस सूचना को स्वयं बताए या सूचित करे या फिर स्वयं ही उस सूचना को शोधकर्ता को उपलब्ध करा। तो अगर हमसे कोई व्यक्ति पूछे कि सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, तो हम कहेंगे कि जिन टेक्निक्स के अंतर्गत पार्टिसिपेंट
स्वयं ही संबंधित जानकारी को प्रदान करता है या पूछे जाने पर उपलब्ध कराता है या बताता है। तो इस तरह की तकनीक को ही हम सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक्स कहते हैं, और इस टेक्निक्स के अंतर्गत कई सारे उपकरण आते हैं, जिसमें से प्रमुख रूप से जो है वो है प्रश्नावली का, अनुसूची का, साक्षात्कार का और अभिवृत्ति मापनी का, एटीट्यूड स्केल का। तो ये एक मेजर टूल है इस कैटेगरी के, और ज्यादातर हम रिसर्च में सबसे पहले हम इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर हम अपने रिसर्च में इसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं इन सोशल साइंस, और इस टेक्निक्स के अंतर्गत भी हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल क्वेश्चनायर या शेड्यूल इंटरव्यू आदि का करते हैं। अब यह क्वेश्चनायर क्या होता है, शेड्यूल क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है, ये हम अलग क्लास में देखेंगे एक एक कॉन्सेप्ट को लेकर, क्योंकि कई सारे इसके टाइप्स होते हैं क्वेश्चनायर्स के, शेड्यूल के, इंटरव्यू के, और इनके अपनी मेरिट्स डिमेरिट्स होती है, तो इसलिए वो इनको हम एक अलग क्लास में शामिल करेंगे। आज केवल हम इन पांच प्रविधियों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, और किस प्रविधि के अंतर्गत कौन सा उपकरण कंसीडर किया जाता है केवल ये समझते हैं। तो सेल्फ रिपोर्टिंग सबसे ज्यादा सोशल साइंस में इस्तेमाल होती है। सेल्फ रिपोर्टिंग का मतलब है वो प्रविधियां जिनके अंतर्गत जिनके जिनमें शोधकर्ता स्वयं संबंधित सूचना या जानकारी को शोधकर्ता को उपलब्ध कराता है, या फिर शोधकर्ता के द्वारा पूछे जाने पर स्वयं उनको बताता है या उनको सूचित करता है। तो पार्टिसिपेंट जब सेल्फ से ही रिप्लाई करे या सेल्फ ही रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को अवेलेबल कराए टू द रिसर्चर या रिसर्चर के द्वारा पूछे जाने पर होते। अब आते हैं ऑब्जर्वेशन टेक्निक। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है, अगर हम ऑब्जर्वेशन वर्ड के बारे में बात करें तो इस वर्ड का मतलब क्या होगा, व्यूइंग भी कह सकते हैं इसको, हम इसको सीन भी कह सकते हैं। तो किसी चीज को देखना, या हम इसको वॉचिंग भी कह सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स क्या होती हैं? ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स से तात्पर्य उन टेक्निक से है जब या जिनके अंतर्गत पार्टिसिपेंट्स का जो एक्सप्रेस्ड बिहेवियर या एक्टिविटीज है उनको रिकॉर्ड किया जाए। तो जब रिसर्चर पार्टिसिपेंट्स के अभिव्यक्ति या व्यक्त व्यवहार अथवा क्रियाकलापों को देख करके या उनको वॉच करके या उनका व्यू करके इंफॉर्मेशन या रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, तो उसे ही हम ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स कहते हैं। तो ऑब्जर्वेशन टेक्निक से तात्पर्य क्या है, सब्जेक्ट के या पार्टिसिपेंट्स के प्रेजेंट के एक्सप्रेस्ड बिहेवियर या एक्टिविटीज को वॉच करके या उसको सी करके या उसको व्यू करके इंफॉर्मेशन कलेक्शन करना या डेटा कलेक्शन करना। तो जब भी रिसर्चर प्रयोज्यों के अभिव्यक्त या व्यक्त व्यवहारों अथवा क्रियाकलापों का को देख करके और उनको रिकॉर्ड करके संबंधित सूचना को संकलित करता है, तो उसे ही हम ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स कहते हैं। ऑब्जर्वेशन को लोग टूल के रूप में भी रखते हैं, ऑब्जर्वेशन को एज ए टेक्निक्स भी रखते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ऑब्जर्वेशन एज ए टेक्निक इज वाइडर कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहां पर ऑब्जर्वेशन शेड्यूल एक टूल के रूप में भी है, तो इसलिए ध्यान रखें कि ऑब्जर्वेशन एज ए टूल भी कंसिडर किया जाता है और ऑब्जर्वेशन एज अ टेक्निक भी है, लेकिन ऑब्जर्वेशन एज ए टेक्निक ज्यादा व्यापक है इन कंपैरिजन टू टूल। तो ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स क्या है, ऑब्जर्वेशन टेक्निक का मतलब है कि पार्टिसिपेंट्स के प्रेजेंट के एक्सप्रेसिव बिहेवियर एक्टिविटीज को वॉच करके डेटा कलेक्शन करना या प्रेजेंट एक्सप्रेसिव बिहेवियर एक्टिविटीज की रिकॉर्डिंग बाय द रिसर्चर। अब इसमें भी बहुत सारे टूल इस्तेमाल होते हैं, चेकलिस्ट, जांच सूची जिसे हम कहते हैं, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल यानी इसको हम पर्यवेक्षण अनुसूची या इसको अवलोकन अनुसूची, एनेक्डोटल रिकॉर्ड जिसको हम हिंदी में कहते हैं वृत्तांत अभिलेख या उपाख्यात्मक अभिलेख, अब ये क्या होते हैं आगे चर्चा करेंगे, रेटिंग स्केल, निर्धारण मापनी। तो ये चार
टूल हमारे ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स के अंतर्गत भी के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं टेस्टिंग टेक्निक्स या साइकोलॉजिकल टेस्टिंग टेक्निक्स भी इनको कहा जाता है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग टेक्निक्स से तात्पर्य उन प्रविधियों से है जिनके अंतर्गत हम पार्टिसिपेंट्स को ऐसी परिस्थितियों में ऐसी समस्याओं में रखते हैं कि वो स्वयं ही अपने रियल एट्रीब्यूट का या रियल कैरेक्टरिस्टिक्स का या रियल इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस कर देते हैं। तो जब भी प्रयोज्यों को या पार्टिसिपेंट्स को ऐसी परिस्थितियों समस्याओं के सामने रखा जाए या समस्याओं के बीच प्रस्तुत किया जाए कि वह स्वयं ही अपना वास्तविक गुण या अपने वास्तविक व्यवहार का प्रकटीकरण करें, तो ऐसी सभी वो जो परिस्थितियां होती हैं उनको ही हम टेस्टिंग टेक्निक्स या टेस्टिंग साइकोलॉजिकल टेस्टिंग टेक्निक्स कहते हैं। तो दो बातें हैं कि यहाँ पर हम सब्जेक्ट को या पार्टिसिपेंट्स को उन सिचुएशंस में लेकर के जाते हैं या उन प्रॉब्लम्स के सामने रिप्रेजेंट करते हैं कि वो अपने आप ही अपने रियल बिहेवियर का या अपने अपने वास्तविक गुण का या रियल एट्रीब्यूट्स को एक्सप्रेस कर देते हैं। तो उसे ही हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग या टेस्टिंग टेक्निक्स कहते हैं, या इसी को हम साइकोमेट्रिक टेक्निक्स भी कहा जाता है। ध्यान रखें कि साइकोमेट्रिक और साइकोलॉजिकल में बस अंतर इतना है कि साइकोमेट्रिक्स का जो संबंध है वो केवल रिलेटेड टू माइंड है। जैसे यहाँ पर वैल्यू टेस्ट है, तो वैल्यू टेस्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट तो है बट साइकोमेट्रिक टेस्ट नहीं है, मनोमितिक प्रविधि नहीं है। तो मनोवैज्ञानिक प्रविधि और मनोमितिक प्रविधि में केवल इतना अंतर है कि साइकोमेट्रिक जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड है साइकोमेट्रिक, ये केवल और केवल रिलेटेड टू माइंड से है। और माइंड से मतलब आईक्यू हो गया, माइंड से मतलब हमारी पर्सनालिटी हो गई, माइंड से मतलब केवल क्रिएटिविटी हो गई। तो ये सारी चीजें जो है वो माइंड से रिलेटेड है। विशेष रूप से हमारी जो आईक्यू टेस्ट होते हैं, जो बुद्धि परीक्षण होते हैं, इंटेलिजेंट टेस्ट होते हैं, उनको हम साइकोमेट्रिक टेस्ट कहते हैं। लेकिन जैसे हम एप्टीट्यूड के बारे वैल्यू टेस्ट के बारे में बात करें, तो वैल्यू टेस्ट जो है वो हार्ट से रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड नहीं है। तो जहां पर हम हेड की बात करेंगे वहां पर साइकोमेट्रिक्स होगा, लेकिन जहां पर हम हार्ट की बात करें या हम हैंड की बात करेंगे वहां पर हम साइकोलॉजिकल टेस्ट वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो दिस वर्ड इज रिलेटेड टू हेड, बस इस चीज को ध्यान रखें। लेकिन जब यहीं पर हार्ट और हैंड ये तीनों चीजें आ जाएं या इनमें से कोई भी चीज हो, तो हम उसको साइकोलॉजिकल टेस्ट कह सकते हैं। तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, इसमें भी बहुत सारे उपकरण आते हैं, लेकिन ये वो परिस्थितियां या वे समस्याएं होती हैं, वो उद्दीपक होते हैं कि जब हम प्रयोज्य को इनके ऐसे उद्दीपकों के सामने ऐसी परिस्थितियों में रखते हैं तो वो स्वयं ही अपने वास्तविक व्यवहार का या गुण का प्रकटीकरण करते हैं, उसको प्रकट कर देते हैं। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण प्रविधि या परीक्षण प्रविधि समझ में आए। परीक्षण प्रविधि में व्यक्ति अपने रियल बिहेवियर का या रियल एक्टिविटीज का या रियल एट्रीब्यूट्स को स्वयं ही एक्सप्रेस करता है, रिप्रेजेंट कर देता है उन परिस्थितियों के संदर्भ में। और एक्चुअल में जो अभी हम लोगों ने जो तीसरा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया था कि टेस्ट क्या होता है, तो एक्चुअल में ये जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के अंतर्गत जितने टूल हैं इन्हीं को हम टेस्ट कहते हैं। अर्थात ये जो टूल हमने कहा था कि जो टेस्ट होते हैं वो स्पेसिफिक टूल्स होते हैं, और स्पेसिफिक टूल्स क्योंकि टूल्स तो यहां पर भी है, टूल्स यहां पर भी है, टूल्स यहां पर भी है, टूल्स यहां पर भी है, लेकिन टेस्ट यहां पर है केवल। बस इस चीज का ध्यान रखेगा कि यहां पर टेस्ट केवल यहां पर, ये टेस्ट नहीं है, ये टेस्ट नहीं है, ये टेस्ट नहीं है, ठीक है। तो टेस्ट क्या है, यहां पर है तो स्पेशल टेस्ट होते हैं। टेस्ट वर्ड यहां पर भी इस्तेमाल होगा, यहां पर भी इस्तेमाल होगा। तो
कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं। अब टेस्ट का मीनिंग क्या होता है? टेस्ट का मीनिंग वही है जो आपने साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में समझा, अर्थात जब हम व्यक्ति को ऐसी समस्याओं या ऐसी परिस्थितियों के सामने रखें कि वह स्वयं ही अपने वास्तविक व्यवहार का या अपने वास्तविक गुणों का प्रकटीकरण करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक परीक्षण प्रविधि कहते हैं। अब अगर हमसे पूछ लिया जाए कि परीक्षण क्या होते हैं, तो हम कहेंगे कि टेस्ट ऐसे स्पेसिफिक डिवाइसेस या इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी टेस्ट अपने आप में कोई टेक्निक्स नहीं है, बल्कि टेस्ट भी अपने आप में क्या है? टूल है। और टेस्ट ऐसे टूल है जो किसी भी ह्यूमन बिहेवियर का सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि परीक्षण क्या होते हैं, तो हम कहेंगे कि परीक्षण ऐसे विशेष उपकरण हैं जो मनुष्य के किसी भी व्यवहार का या मनुष्य के किसी भी व्यवहार बीमा का वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं, या वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध तरीके से संबंधित व्यवहार के बारे में व्यक्ति को सूचना उपलब्ध कराते हैं। तो टेस्ट केवल यहां पर यानी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के अंतर्गत आता है। बहुत सारे टेस्ट यहां पर भी हैं, और इसी में से साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और साइकोमेट्रिक टेस्टिंग में हमने अंतर बताया कि साइकोलॉजिकल टेस्ट हैंड, हार्ट और हेड तीनों से संबंधित ये शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जब हम साइकोमेट्रिक की बात करेंगे तो वो रिलेटेड टू ओनली हेड होगा। कैसे? वैल्यू टेस्ट क्या होगा? वो हार्ट से बिलोंग करता है। स्किल टेस्ट को ले लेंगे तो वो हैंड से बिलोंग करता है। तो हार्ट और हैंड से रिलेटेड टेस्ट को साइकोलॉजिकल टेस्ट तो कहा जा सकता है, लेकिन साइकोमेट्रिक टेस्ट नहीं कहा जा सकता। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण और मनोमितिक परीक्षण में केवल अंतर इस बात का है कि जो मनोमितिक है वो केवल मस्तिष्क से संबंधित गुणों के बारे में बात करता है, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है वो मस्तिष्क, हृदय और हाथ या हैंड तीनों की बात करता है। खैर, अब हम आते हैं चौथी, जो सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स है या समाजमिति प्रविधि है। ये स्पेशल टेक्निक्स होती हैं और इसमें भी तीन उपकरण हैं, समाजमिति सारणी, समाज आलेख और सोशियोमेट्रिक इंडेक्स, या इसको हम सोशियोमेट्रिक्स या समाजमिति सूची कहते हैं। तो सारणी, ग्राफ और सूची तीन टूल्स यहाँ पर भी हैं। अब बात यहां पर है कि सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स होती क्या है। ध्यान रखें कि सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स वो टेक्निक्स होती हैं जो इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड सोसाइटी को स्टडी करती हैं। अर्थात जब भी हम व्यक्तियों, समूहों अथवा समाज के लोगों के अंतर्वैयक्तिक संबंधों का अध्ययन करना चाहते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात समझना चाहते हैं, तो हम समाजमितीय प्रविधियों का इस्तेमाल करते हैं। तो जो ग्रुप डायनेमिक्स पर स्टडी की जाती हैं, जो सोशल रिलेशंस पर स्टडी की जाती हैं, तो जब भी हमें इंटरपर्सनल सोशल रिलेशंस पर कोई स्टडी करनी होती है, तब हम इस टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स क्या होती हैं? सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स वो टेक्निक्स होती हैं जो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो ये ऐसी प्रविधियां हैं जो व्यक्तियों के अंतर्वैयक्तिक संबंधों के बारे में सूचनाएं उपलब्ध कराती हैं, चाहे वो अंतर्वैयक्तिक संबंध व्यक्तियों के बीच हो, या व्यक्ति समूह के बीच में हो, या समूहों के बीच में हो, या किसी समाज के सभी व्यक्तियों के बीच में हो। तो वहां पर हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इसमें तीन तरह के उपकरण काम करते हैं। फिर प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या होती हैं? प्रोजेक्टिव टेक्निक्स ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिनमें हम पार्टिसिपेंट्स के सामने एक अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस रखते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस का मतलब वो कोई कार्ड हो सकता है, वो कोई फिजिकल थिंग्स भी हो सकती है, वो कोई इमेज हो सकती है। तो हम एक असंरचित उद्दीपक व्यक्ति के सामने या पार्टिसिपेंट्स के सामने या सब्जेक्ट के सामने रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं, और उस अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस के प्रति वो जो पार्टिसिपेंट्स या सब्जेक्ट जो रिस्पांस करता है, उस रिस्पांस का हम एनालिसिस करके ही उसके बिहेवियर के बारे में इन्फ्रेंस करते हैं या उसके बिहेवियर का इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो जब भी व्यक्ति के सामने या प्रयोज्य के सामने एक असंरचित उद्दीपक प्रस्तुत करके उस असंरचित उद्दीपक के प्रति उस प्रयोज्य की प्रतिक्रिया को हम रिकॉर्ड करते हैं, और उस रिकॉर्डेड प्रतिक्रिया का विश्लेषण करके हम उसके व्यवहार के बारे में अनुमान लगाते हैं, तो इस
प्रविधि को, इस पूरी प्रक्रिया को ही हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कहते हैं। और प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के अंतर्गत भी बहुत सारे टूल हैं, चाहे वो टैट परीक्षण हो यानी थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, कैट परीक्षण हो चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, सैट सीनियर अपरसेप्शन टेस्ट, वैट वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट, या पीएफ स्टडी, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी, बहुत सारे और भी चीजें हो सकती हैं यहाँ पर। रोसार का एक प्लॉट टेस्ट भी इसके अंतर्गत आ सकता है। तो ये सारी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या होती हैं? प्रोजेक्टिव टेक्निक्स एक ऐसे प्रविधियां हैं या वो टेक्निक्स होती हैं जिनके अंतर्गत पार्टिसिपेंट्स या सब्जेक्ट के सामने हम एक अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस रखते हैं। ध्यान रखें कि टेस्ट वर्ड यहाँ पर भी है और टेस्ट वर्ड यहाँ पर भी है। बस ध्यान ये रखना है कि जब हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में जो उपकरण होते हैं उनमें हम स्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस का। तो जो टेस्ट वर्ड है, टेस्ट टेस्टिंग टेक्निक्स में भी टेस्ट एज ए टूल इस्तेमाल होता है और टेस्ट एज ए टूल ये भी है। बस अंतर क्या है कि यहाँ पर जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस का मतलब जो आइटम है, क्योंकि जब हमें सूचना लेनी होती है तो हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ही करते हैं, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब है कि सीधे तौर पर नहीं पूछा जाता वहां पर। हम जैसे आपसे सीधे यहाँ पर क्या है, सीधे सीधे, यानी यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड आइटम होते हैं और यहाँ पर अनस्ट्रक्चर्ड आइटम होते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो बेसिकली रिसर्च में या सोशल साइंस रिसर्च में जो टेक्निक्स हैं वो पांच प्रकार की है, उनकी पांच श्रेणियां हैं। सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक्स, सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक्स क्या होती हैं? वो टेक्निक्स होती हैं जिनके अंतर्गत रिसर्चर जो इनके अंतर्गत जो पार्टिसिपेंट्स है वो स्वयं ही अपने गुणों के बारे में बताता है या सूचित करता है, या फिर शोधकर्ता के द्वारा पूछे जाने पर उसको उपलब्ध कराता है वो सूचना। ध्यान रखिए कि सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक्स में व्यक्ति के अंदर क्या गुण है इसका मापन नहीं होता, बल्कि व्यक्ति स्वयं में किस गुण के होने का दावा करता है ये मापा जाता है, क्योंकि इसमें वो स्वयं बताता है। भले ही अब उसके अंदर उसको भूख लगी है, लेकिन अगर वो बता रहा है कि मुझे भूख नहीं लगी, तो हम यही मान के चलेंगे कि उसको भूख नहीं लगी है, क्योंकि इसमें जो पार्टिसिपेंट्स वो स्वयं बताता है, चाहे वो स्वयं से बताए या फिर जैसे क्वेश्चनायर में वो स्वयं बताता है, शेड्यूल में पूछे जाने पर बताता है। तो सेल्फ रिपोर्टिंग में पार्टिसिपेंट या सब्जेक्ट स्वयं टेल करता है, स्वयं कहता है, और वो स्वयं अपनी तरफ से भी कहता है, पूछे जाने पर भी कहता है। तो यहां पर ये चीज निकल करके आती है कि इसमें व्यक्ति के अंदर क्या गुण है उसका मेजरमेंट हो ही नहीं रहा है, बल्कि मेजरमेंट ये होता है, मेजरमेंट उस गुण का होता है जिस गुण के व्यक्ति, जिस गुण के होने या न होने का व्यक्ति दावा करता है। अगर वो कह रहा नहीं मुझे क्रोध है, तो हम मान के चलेंगे कि क्रोध है, और अगर वो कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूं, भले ही वो गुस्सा है, तो हम मान के चलेंगे कि गुस्सा नहीं है, क्योंकि उसने ऐसा बताया है। तो यहां पर जिस गुण के होने या ना होने का वो दावा करता है स्वयं में, हम उस गुण का मापन करते हैं, भले ही उस गुण की वास्तविक उपस्थित हो या ना हो। क्लियर? इसके अंतर्गत प्रश्नावली है, अनुसूची है, साक्षात्कार है, अभिवृत्ति मापनी है। ये चार बेसिक जो है वो उपकरण होते हैं, सबसे पॉपुलर रिसर्च में ये टूल्स हैं। फिर ऑब्जर्वेशन टेक्निक, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, व्यक्ति के जो उसका एक्सप्रेस्ड बिहेवियर होता है या एक्टिविटीज होती हैं, तो हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सप्रेस्ड बिहेवियर एंड एक्टिविटीज ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन अ रियल सिचुएशन करते हैं। जब वास्तविक परिवेश में जाकर के, वास्तविक परिस्थिति में, वर्तमान में जाकर के हम प्रयोज के व्यक्त व्यवहार या क्रियाकलापों का को रिकॉर्ड करते हैं, तो उसे ही हम अवलोकन तकनीक कहते हैं। और इसके अंतर्गत हम चेकलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल इस्तेमाल करते हैं, और रेटिंग स्केल इस्तेमाल करते हैं। एक चीज यहां पर समझ लीजिए कि रिसर्च में डेटा कलेक्शन के लिए रिसर्चर केवल किसी एक रिसर्च टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं करता, वो एक से अधिक रिसर्च टेक्निक्स का भी इस्तेमाल करता है, और फिर केवल एक टूल नहीं इस्तेमाल करता, वो एक से अधिक टूल भी इस्तेमाल करता। फॉर एग्जाम्पल कि उसने क्वेश्चनायर का भी इस्तेमाल किया, और फिर उसने रेटिंग स्केल का भी इस्तेमाल किया, और इंटेलिजेंट टेस्ट का भी इस्तेमाल किया, और एप्टीट्यूड टेस्ट का इस्तेमाल किया। तो वो वैरायटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल कर लेता है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना।
फिर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग क्या होता है? साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से तात्पर्य उन प्रविधियों से है जिनके अंतर्गत हम प्रयोजक को या सब्जेक्ट को ऐसी परिस्थितियों समस्याओं के सामने प्रस्तुत करते हैं कि वह स्वयं ही या अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही अपने वास्तविक व्यवहार या गुण को प्रकट कर देता है या व्यक्त कर देता है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में ही एक कैटेगरी आती है साइकोमेट्रिक टेस्ट की, और जब हम साइकोलॉजिकल टेस्ट केवल हेड से रिलेटेड या माइंड से रिलेटेड होता है तो हम उसको साइकोमेट्रिक कहते हैं, लेकिन जब वो हार्ट और हैंड से रिलेटेड होता है तो हम उसको साइकोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं। उसमें भी बहुत सारे टूल होते हैं, बुद्धि परीक्षण, सृजनात्मक परीक्षण, मूल्य परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, व्यक्तित्व आविष्कारिका, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। फिर सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स वो टेक्निक्स होती हैं जो ह्यूमंस के इंटरपर्सन रिलेशंस के बारे में आंकड़े एकत्रित करती हैं, और इस प्रविधि का हम इस्तेमाल जब हमें सोशल स्ट्रक्चर को समझना होता है, सोशल ग्रुप डायनेमिक्स को समझना होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशंस के इंटरनल रिलेशंस को समझना होता है, तब हम इस तरह के टू टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। उसमें तीन तरह की है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सोशियोग्राफ होता है, या सोशियोग्राम इसको हम कहते हैं, समाज आलेख, सोशियोमेट्रिक मैट्रिक्स और सोशियोमेट्रिक इंडेक्स। फिर प्रोजेक्टिव टेक्निक्स वो प्रविधियां होती हैं या ऐसी प्रविधियां हैं जिनमें पार्टिसिपेंट्स के सामने हम एक अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस रिप्रेजेंट करते हैं, और उस अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस के प्रति पार्टिसिपेंट जो रिस्पॉन्स करता है उस रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड करके उसके एनालिसिस के द्वारा हम उसके बिहेवियर के बारे में इंटरप्रिटेशन करते हैं। और इसके अंतर्गत भी बहुत सारे टूल आते हैं, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण, वर्ड शब्द साचर परीक्षण, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी, या बहुत और भी तमाम चीजें हो सकती हैं। तो हमको टेक्निक समझ में आया और टेक्निक के अंतर्गत टूल समझ में आया। एक अंतिम चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं कि ये जो रिलेशन हम लोगों ने समझा टूल टेक्निक्स के बीच का और टेस्ट के बीच का, इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, और फिर हम एक एक टेक्निक्स के अंतर्गत जो टूल है उनकी चर्चा करेंगे। तो अगर हमसे पूछा जाए कि रिलेशन बिटवीन टूल टेक्निक एंड टेस्ट, अगर हमसे ये कहा जाए तो हम क्या बताएंगे? तो सिंपली आप कहेंगे कि मान लीजिए ये क्या है आपका, ये मान लीजिए आपकी क्या है, टेक्निक है। क्लियर? तो ये क्या बना आपका, एक टूल बना, और फिर इसके अंदर क्या बना, एक टेस्ट बना। तो ध्यान रखें कि सबसे जो व्यापक संप्रदाय है वो टेक्निक, यानी टेक्निक्स मल्टीपल होती है और हर टेक्निक के अंदर मल्टीपल टूल होते हैं, और टूल भी क्या है, एक स्पेशल तरह के टेस्ट होते हैं, क्योंकि सारे जो टूल है वो टेस्ट नहीं होते। जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि इंटरव्यू क्या है, व्हाट इज इंटरव्यू, और हमसे क्वेश्चंस किया जाए कि इंटरव्यू इज अ टेस्ट आर टूल आर बोथ, तो हम क्या कहेंगे कि इंटरव्यू इज अ टूल नॉट अ टेस्ट। बात समझ में आई? लेकिन हमसे पूछा जाए कि इंटेलिजेंट टेस्ट क्या है, या इंटेलिजेंट टेस्ट में तो टेस्ट वर्ड लगा है, मान लिया हमसे पूछा जाए कि पीएफ स्टडी क्या है, ये क्या है, ये टेस्ट है या टूल है या फिर बोथ है, तो हम कहेंगे कि ये बोथ है। तो जितनी टेक्निक्स होती हैं, हर टेक्निक्स के अंतर्गत बहुत सारे टूल होते हैं, और
सारे जो टूल होते हैं वो टेस्ट नहीं होते, क्लियर। कुछ टूल ऐसे होते हैं जो टेक्निक्स के रूप में भी काम करते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन, लेकिन सारी टेक्निक्स जो होती हैं वो टूल नहीं होती, लेकिन हर टूल किसी ना किसी टेक्निक से जरूर बिलोंग करता है। अगर हम इस फिगर को समझने की कोशिश करें, ध्यान रखें कि अगर आप इस फिगर को समझे हुए हैं तो बहुत सारी चीजें निकल करके आएंगी। अब अगर हम इस फिगर की कंक्लूजन की बात करें तो इस फिगर से क्या कंक्लूजन निकल कर आ रहा है, हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि एवरी टूल मस्ट बी बिलोंग ए स्पेसिफिक टेक्निक्स, यानी जो सभी उपकरण हैं वो किसी ना किसी एक टेक्निक से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर इसका अपोजिट निकाला जाए, बट यहां पर एक दूसरी चीज ये है भी समझ सकते हैं कि दूसरी बात, सम टूल वर्क एज टेक्निक्स, जैसे हम कहा ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन एक टूल भी है और ऑब्जर्वेशन एक टेक्निक, लेकिन बट ऑल टेक्निक्स इज नॉट वर्क एज अ टूल। इसको समझ लीजिए, देखिए ये जो चर्चा हम कर रहे हैं ये केवल और केवल उन समस्याओं के लिए है जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो क्या समझ में आया कि जितने भी उपकरण होते हैं वो किसी न किसी प्रविधि से संबंधित जरूर होते हैं, और कुछ उपकरण प्रविधि के रूप में भी काम करते हैं, लेकिन जितनी भी प्रविधियां होती हैं वो सारी प्रविधियां टूल के रूप में काम नहीं करती हैं। जैसे ऑब्जर्वेशन एक टूल है लेकिन ऑब्जर्वेशन एज अ टेक्निक्स भी काम करता है, लेकिन टेक्निक्स ऑब्जर्वेशन एज अ टेक्निक ज्यादा व्यापक है। दूसरी बात कि अब जितने भी टूल होते हैं वो टेक्निक से बिलोंग करते हैं, चाहे कोई भी आप ले लो, क्योंकि नंबर ऑफ आपने टूल्स के बारे में लिखा है, और हर वो टूल या कोई और भी टूल आप सोचेंगे तो वो किसी न किसी तकनीक से, इन पांच तकनीक में से किसी न किसी तकनीक से जरूर बिलोंग करेगा। अब तो टूल और टेक्निक के बीच का रिलेशन समझ में आया। फिर आते हैं टूल और टेस्ट का मतलब कि जितने भी टूल होते हैं क्या हम उन्हें टेस्ट कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते, लेकिन जितने टेस्ट होते हैं उनको हम टूल जरूर कह सकते हैं। बात समझ में आई यहां पर टूल और टेस्ट के बीच का रिलेशन क्या समझ में आ रहा, यानी एवरी टूल इज नॉट कॉल्ड टेस्ट बट एवरी टेस्ट इज अ कॉल्ड टूल। इसका मतलब है कि जितने भी परीक्षण होते हैं वो एज अ टूल वर्क करते हैं, लेकिन जितने टूल होते हैं वो एज अ टेस्ट वर्क नहीं करते हैं। और टूल और टेक्निक, टूल और टेस्ट दोनों ही टेक्निक्स के अंदर ही कंसीडर किए जाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम थी, एक रिलेशनशिप था टूल टेक्निक्स और टेस्ट को लेकर के। और टेस्ट में भी जो साइकोलॉजिकल टेस्ट और साइकोमेट्रिक टेस्ट है उनके बीच का अंतर है। टेस्ट क्या करते हैं, देखिए टूल एज ए इंस्ट्रूमेंट एज ए डिवाइस होते हैं, लेकिन वो उतना सिस्टमेटिकली स्टडी नहीं करते ह्यूमन बिहेवियर की जितना टेस्ट करते हैं। तो टूल भी इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस होते हैं, टेस्ट भी इंस्ट्रूमेंट डिवाइस होते हैं, लेकिन ये उतने नहीं होते, क्योंकि जो टूल होते हैं वो थोड़े से कम साइंटिफिकली होते हैं, जो टेस्ट होते हैं वो ज्यादा सिस्टमैटिक करते हैं, क्योंकि इसमें जो आइटम होते हैं वो कई सारे डायमेंशन से रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट होते हैं उसमें जो डायमेंशन होते हैं वो एक या दो होते हैं, और जो उनका डायमेंशन के बाद जो वो आइटम्स होते हैं वो ज्यादा सिस्टमैटिक होते हैं। तो मानव व्यवहार का वैज्ञानिक और क्रमबद्ध अध्ययन करने वाले उपकरणों को हम टेस्ट कहते हैं, और मानव व्यवहार ऐसे उपकरण या यंत्र जो मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं या एक सामान्य अध्ययन करते हैं वो उपकरण कहलाते हैं। तो एवरी टूल इज अ नॉट कॉल्ड टेस्ट बट एवरी टेस्ट इज अ कॉल्ड टूल, या एवरी टेस्ट वर्क एज अ टूल बट एवरी टूल इज नॉट वर्क एज अ टेस्ट। यहां पर ये बात समझ में आई, एंड एवरी टूल इज
belongs to is a specific research techniques, but and some tools yeah some research tool works as a techniques, but every research technique is a not work as a टूल. तो हम टेक्निक्स एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है, टूल एक डिवाइस है. तो जब हम कोई प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं तो प्रोसेस इस्तेमाल करने के लिए हमें कोई ना कोई एक उपकरण इस्तेमाल करना होता है. और हम एक से अधिक प्रोसेस का भी इस्तेमाल करते हैं डाटा कलेक्शन के लिए, एक से अधिक उपकरण का भी इस्तेमाल करते हैं. तो गाइज आज की क्लास में हमने आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए टूल और टेक्निक्स की कि क्या उपयोगिता है और इनका क्या इनकी क्या भूमिका है उसके बारे में बात की, और फिर उनकी के मीनिंग्स को समझा, उनके अपने क्लासिफिकेशंस को समझा और उनके बीच के रिलेशनशिप को समझा. अब अगली क्लास पर हम किसी एक एक टूल को डिस्कस करेंगे, चाहे वो क्वेश्चनायर हो, चाहे वो शेड्यूल हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो एटीट्यूड स्केल हो. तो इनके बारे में हम लोग एक विस्तृत चर्चा करेंगे आगे की कक्षाओं में, लेकिन आज इतना ही. आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी. अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी तो आप डेफिनेटली पूछिएगा. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. गुड बाय.